24 hours. नदी सुना दीदी, पर ये हम चैलेंज कर क्यों रहे हैं? हम ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेना है बदला, क्योंकि मम्मा पापा ने हमारे साथ किया था इग्नोरिंग किड्स फॉर 24 आवर्स, तो आज हम बदला लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। बच्चों, ओह माय गॉड, अनन्या आप अंदर यहीं बैठो बेटे, जल्दी करो, ब्रेकफास्ट नहीं किया। शनाया, क्लास का टाइम हो गया, उठो फटाफट। सियान, उठो, बुक्स निकालो, मैम आने वाली है। सियान, उठो। अरे अनन्या, उठो बेटा, क्लास का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट करो। शनाया, बंक। सियान, उठिए। अरे ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? रमनीक, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्लास शुरू होने वाली है। रमनीक सुनो, रमनीक, ये बच्चे मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं तीनों को आवाज दे रही हूँ, क्लास शुरू होने वाली है, ये ना कोई कुछ गड़बड़ है। भाई गड़बड़ क्या है, मैं भी यहीं पे था, मुझे इनकी आवाजें आ रही थी। इन्होंने चैलेंज शुरू कर लिया है, वो चैलेंज शुरू कर लिया है इग्नोरिंग पेरेंट्स फॉर 24 आवर्स। What? जो हमने पहले नहीं किया था इग्नोरिंग किड्स। अरे तो ये कैसे चलेगा, ये सारा दिन कैसे काटेंगे? अरे अगले पैसे पंगे ले रहे हैं, इनका क्या, इनके बस का है? अभी इग्नोरिंग किड्स फॉर 24 आवर्स हमने किया था, इन लोगों को लगा कि यार हमें इग्नोर कर दिया है, आज हम इग्नोरिंग पेरेंट्स करें। कुछ से नहीं है, अभी यहीं घूम रहे होंगे, अभी तुम्हारे पास आएंगे, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, देखते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे बेड पे जंप कर रहे हैं। चलो मेरे साथ, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, पता है मेरी बेड पे जंपिंग कर रहे हैं। नहीं, चलो चलो। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो, बात सुनो, हेलो मेरी बात। इग्नोरिंग लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है रमनीक को साथ में खिला रहे हैं। सही पकड़े हैं। गाइस ये ज्यादा हो गया है, ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे। इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही अपना आसमान सिर पे उठा लें। क्लास नहीं कर रहे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे बेड पे जंपिंग कर रहे हैं, सारी चादरें गिरा दी हैं। अभी तो दिन शुरू हुआ है। अरे बाबा जी, इस दिन को प्लीज फटाफट खत्म कर दो यार। रमनीक देखो ना बच्चों को क्या हो गया, कभी कह रहे कुका कुका कूल कार कूल कार, क्या कर रहे हैं देखो ना। क्या है देखो, कोका।
बाय कोका टीवी विनर कूल कार। अब दिवाली होगी खुशियों से भरी। फ्लिपकार्ट पे कोका टीवी खरीदें और पाएं एक नई कार जीतने का शानदार मौका। ऑफर वैलिड फ्रॉम 29 सितंबर टू 4 नवंबर ऑन फ्लिपकार्ट। तो अब समझ में आया क्या है ये कूका टीवी। तो गाइस कूका टीवी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर स्पेशली बिग बिलियन डे सेल में और बिग दिवाली सेल में, और इस पे एक लकी ड्रॉ भी चल रहा है जिसमें आप विन कर सकते हो एक कूल कार। इसमें दो सीरीज आती हैं S3U Pro और S6G Pro। तो हम लेने वाले हैं कूका टीवी और जीत सकते हैं एक कूल कार। तो गाइस आप भी ले सकते हैं कूका टीवी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे ये सब कहाँ चले? अरे अनान्या यार अमनीना, I'm not liking it यार, मेरी बात नहीं सुन रहे यार, ये कुछ ज्यादा हो रहा है गाइस। ये चैलेंज करके ना हमने लगता है गलती कर दी है। और क्या, हमने तो मजाक में किया था इग्नोरिंग किड्स, बट ये बहुत सीरियसली ले गए। हाँ बेटा, इनको भी कितना बुरा लगा होगा। बात तो सही है गाइस, बट इस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस बात खत्म कर क्या रहे हैं, देखे इनको बोलो खत्म कर दे। चलो देखे ये क्या हो रहा है यार, ये गाइस ये कुछ ज्यादा हो गया है। अभी मौसम खराब चल रहा है, बारिश चल रही है और ये बर्फ चल रही है। इनको साफ मना है, बर्फ बर्फ नहीं खा सकते ये लोग। सुनाया आइसक्रीम खा रही है, इसको मना करो एग्जाम खा रही है, और तू ये क्यों जट खा रहा है? हेलो गाइस, ये डाइनिंग टेबल का बुरा हाल हो चुका है। हो ये तो नीचे नीचे बैठ रही है, ये ऐसे नहीं मानेंगे गाइस, मुझे छीनना पड़ेगा। लेकिन अब मैं चैलेंज के अंदर कैसे करूं यार, ये हमारी तरफ देख तक भी नहीं रहे हैं यार, ये कोई तरीका थोड़ी है यार। गाइस देखो कुछ तो रूल्स पे चलो ना यार, ऐसे मत करो यार, ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है नानिया, बाद में दिक्कत होगी। गाइस ये चैलेंज के बाद बहुत दिक्कत होने वाली है इनको, मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। मत खा। गाइस ये गलत है यार, ये गलत है। अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, हम इनके पीछे ऊपर से भागते भागते आए, ये बिना बताए यहाँ गए। पुनीत गाइस मेरी ना पेशेंस खत्म हो रही है, इनको बोलो रुक जाए। मैं पीछे पीछे भागता हूँ, तो पुनीत को बोला वो भाग गए गार्डन जा रहे हैं। ये रात को कौन सा टाइम है यार, यार इनका तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता भाई। क्या हो रहा है यार, सियान मेरी बात तो सुनना। शनाया आप तो अच्छे बच्चे हो ना, इधर आ मेरी बात सुन। शनाया सुनना। हाय नान्या, कहने में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इन्हें कुछ कहने का। मेरे को एक आइडिया है, तू अंदर आ, कुछ अंदर आ। बहुत हो गया, ये सुनने वाले नहीं है हमारी बात, तूफान मचाया हुआ इन्होंने, अब डिनर टाइम हो गया है। अब मेरे पास एक आइडिया है कि हम इनको बोलते हैं कि हम अब डिनर पे जा रहे हैं, तो इनको डिनर पे जाना ही पड़ेगा हमारे साथ, और इनका फेवरेट है। घर रह जाओ। मत सुनो हमारी बात, घर रह जाओ, हम दोनों जाएंगे डिनर पे। ओ चलो, ये तो आइडिया। तो गाइस अब हम इनको बोलने वाले हैं हम डिनर पे जा रहे हैं, जो हमारी फेवरेट प्लेस है, और इनकी हमारे से भी ज्यादा फेवरेट प्लेस है डिनर की। तो या तो इनका रिएक्शन देखते हैं या क्या देखते हैं, मतलब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अगर ये नहीं जाएंगे तो वैसा ऐसा हो नहीं सकता कि ये न जाए। अब देखते हैं चैलेंज कौन जीतेगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
ओके ओके, अब यहाँ तो कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, तो हम लोग फिर घर में रह के भी क्या करेंगे। ऐसा करते हैं, हम दोनों चलते हैं डिनर पे, फेवरेट वाली प्लेस पे जाएंगे जो कि इनकी नहीं नहीं हमारी फेवरेट है। तो हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, जिसको नहीं सुनना ना सुने। तो गाइस हम लोग पूरी फटाफट चलो चेंज कर लें। ओके ओके, तो तुम्हारी मर्जी है भाई। तुझे क्या लगता है ये लोग डिनर पे हमारे बिना जाएंगे? मुझे तो लगता है कि चले ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो इन्हें बहुत ज्यादा तंग किया है, तो मेरे को लगता है चले जाएंगे। क्या करें, डिनर पे जाना है, चैलेंज करना है? पता नहीं, डिसाइड करो जल्दी। सियान तेरे को क्या करना है? मुझे तो जाना है डिनर पे। क्या करना है? डिनर पे चलते हैं। ठीक है फिर चलो। चलो मम्मा। हमसे कोई क्या हो गया? बात नहीं कर रहा था। आवाज कहाँ से आई है? पता नहीं, ये कहाँ से आवाज आ रही है? किसने मम्मा की आवाज दी मुझे? चलो चलो, हमारा लेट हो रहा है डिनर के लिए। चलो चलो रमी, चलो। क्या हुआ? Excuse me. वी Are you talking to us? Yes, no. क्या मैटर है बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ जी सर। हाँ जी शिनाया। हाँ वो ना, आप लोग डिनर पे जा रहे हो ना? हाँ हाँ। हमारे फेवरेट प्लेस पे है ना? हाँ हाँ। तो हम भी जा रहे हैं डिनर पे। हाँ हाँ। चलो आ जाओ भाई, तुम भी चलो। ये तो हमारी ट्रिक कामयाब हो गई। गाइस गाइस, इन्होंने हमें बहुत तंग किया, तो हमने भी थोड़ी सी ट्रिक खेल दी इनके साथ। हमें तो बहुत मजा आया। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ये बताना कि हम अब नेक्स्ट वीडियो इग्नोरिंग किड्स फॉर 24 आवर्स करें या इग्नोरिंग पेरेंट्स पार्ट 2 करें। तो आपने कमेंट करके ये बताना है हम कौन सा नेक्स्ट चैलेंज करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। इडली विद अ पंजाबी तड़का लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 फूडी पे। गाइस स्वाद ही आ जाएगा, देखो तो सही। मेरा ज्यादा अच्छा था। नहीं मेरा था। वी लाइक